जय श्री कृष्ण मित्रों, गुजराती जायकाबाई जेडी में तमारू हार्दिक स्वागत छे। आजना वीडियो में आपणे वात करीशुं के कोथमीर ने केवी रीते स्टोर करवी के जेथी करीने ते 14-15 दिवस सुधी फ्रेश रही शके। तो तेना माटे सौथी पहला तो आपणे कोथमीर ने साफ करी लईशुं। तमे जोई शको छो मित्रों, मैं कोथमीर नी दांडीओ हटावीने तेना पान एक वासण में लई लीधा छे। हवे आपणे एक मोटा वासण में पाणी भरी लईशुं अने आ पानी में आपणे एक चमची हळदर नाखवानी छे। हळदर ने पानी में बराबर मिक्स करी लईशुं अने त्यारबाद आपणे जे कोथमीर साफ करीने राखी छे ते आ हळदरवाळा पानी में डुबाड़ी दईशुं अने आ हळदरवाळा पानी में कोथमीर ने लगभग अर्धो कलाक सुधी डूबेली रहेवा दईशुं। अर्धो कलाक थई जाय पछी आपणे आ कोथमीर ने हळदरवाळा पानी मांथी काढीने सादा पानी थी 4-5 वार धोई लेवानी छे अने त्यारबाद आवी रीते कपड़ा पर फैलावी देवानी छे अने आवी रीते ओवरनाइट अथवा तो ज्यां सुधी तेनुं बधुं पाणी सुकाई न जाय त्यां सुधी रहेवा देवानी छे। मित्रों, मैं कोथमीरने कपड़ा पर आवी रीते ओवरनाइट फैलावीने राखी हती अने हवे तेनी पर सहेज पण पाणीनो अंश नथी रह्यो। तो हवे हुं तमने ए जणावीश कि आ कोथमीरने स्टोर केवी रीते करवी। हवे आपणे एक एर टाइट कंटेनर लई लेवानुं छे अने कंटेनरनी सरफेस पर पेपर नेपकिन अथवा तो टीश्यू पेपर पाथरी देवानुं छे। अने त्यारबाद तेनी पर कोथमीर फैलावी देवानी छे। बधी कोथमीर डब्बामां भरी दीधा पछी आपणे कोथमीर कवर थई जाय तेवी रीते तेनी पर बीजुं एक टीश्यू पेपर पाथरी देवानुं छे। टीश्यू पेपरथी कोथमीरने बराबर कवर करी लीधा पछी आपणे कंटेनरનું ઢાંકણ બંધ કરી લેવાનું છે અને આવી રીતે આપણે કોથમીરને લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરી શકીએ છીએ। તો મિત્રો, વિડીયો જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર।